इस वीडियो में बात करूंगा सॉरी टू ब्रदर यू मूवी के बारे में। इस मूवी को देखने के बाद देखो दो नजरिए हैं। पहला है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। जैसे पूंजीवाद लोग जो हैं यानी पूंजीवादी जो लोग हैं यानी कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो गरीब लोगों का कैसे शोषण कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का वो फल नहीं देते और इस वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। और इस मूवी में थोड़ा बहुत रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है गोरों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू काले लोगों को, कुछ भी उनको नहीं समझा जाता। और दूसरा नजरिया एंटरटेनमेंट के आधार पर यानी एंटरटेनमेंट आपको कितना एंटरटेन कर पाती है, आपको बोर करती है या नहीं करती, इसकी स्टोरी कैसी है, इसमें ट्विस्ट कैसे आते हैं, इन सब चीजों को लेकर ये एंटरटेनमेंट के आधार पर मैंने इसे जज किया। देखो यार मेरा नजरिया ये है कि मैं किसी मूवी के अंदर कोई प्रोपोगेंडा नहीं ढूंढता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मूवी इसलिए देखनी होती है कि उसमें एंटरटेनमेंट है या नहीं है। अगर काफी ज्यादा मैं परेशान हूं तो मैं मूवी इसलिए देखता हूं ताकि मेरी परेशानी थोड़ी देर के लिए टल जाए, इसलिए मूवी देखना पसंद है, या फिर मैं अपने चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ अच्छा एंटरटेनिंग देखना पसंद करता हूं। तो इस आधार पे मैंने इस मूवी को जज किया है। देखो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें। यार डेफिनेटली हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही एग्री करो, आपका नजरिया दूसरा हो सकता है। छोड़ो यार हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में। एंटरटेनमेंट के आधार पर मैं बताऊं तो इस मूवी मुझे कैसी लगी, मैं स्टार्टिंग में कह देता हूं ये एकदम बकवास मूवी है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बता देता हूं। एक सेशियस ग्रीन नाम का एक आदमी होता है जो बेरोजगार है और वो काफी ज्यादा झूठ बोलकर एक कंपनी के अंदर जॉब पाता है, टेलीकॉलर की जॉब मिलती है, उसे कुछ बेचना होता है। वो वहां है तो उसे यह सिखाया जाता है कि अगर तू एक गोरे अमीर आदमी की तरीके से बोलेगा जिसे कोई टेंशन नहीं है तो तू प्रोडक्ट अच्छे से बेच पाएगा। और वो अपनी उस आवाज में बोलने की कोशिश करता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस होता है और बहुत ज्यादा सामान बेचने लगता है। और एक तरफ जो उसके कलीग हैं वो उस कंपनी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता जबकि वो प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, जबकि ग्रीन यानी सेशियस ग्रीन जो है यहां पर बहुत ज्यादा अमीर होने लगता है। वो अपने इस टैलेंट के कारण लोगों अपने बॉस की नजर में काफी अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगने लग जाता है, उसको प्रमोशन मिलने के लिए मतलब वो उकसाते हैं कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम और अच्छा काम करो और अच्छा काम करो। और इधर जो इसके कलीग हैं अपनी मेहनत के कारण उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, उनको प्रॉफिट के कारण जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है इसलिए वो स्ट्राइक कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में ग्रीन उनके साथ आता है लेकिन धीरे धीरे जब उसे पता चलता है कि उसको प्रमोशन दिया गया है तो वो इन सब चीजों से दूर हो जाता है। और जब वो प्रमोट होकर दूसरी जगह पे जाता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि अब उसे यहां पे क्या सेल करना है। उसे सेल करने हैं लोगों को यानी गुलामों को, सेल करने हैं कंपनियों को कि भाई जो कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फैक्ट्रियां लगा चुके हैं वहां पर लोगों की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, तो इनका काम ये होता है कि ये यहां पे जाके ये लोगों को बेचे। और फिर एक राज खुलता है सीसीस ग्रीन को, ये पता चलता है कि यहां पे लोगों को एक ड्रग दिया जा रहा है जिससे लोग जो है वो घोड़ा बन रहे हैं, घोड़ा प्लस आदमी, मतलब पूरी तरीके से घोड़ा नहीं, वो उनकी शक्ल जो है वो घोड़े जैसी हो रही है लेकिन उनकी मसल्स काफी ज्यादा बढ़ रही है जिससे वो और ज्यादा काम कर पा रहा है, वफादार हो रहा है, काफी कुछ सवाल नहीं पूछता ज्यादा, मतलब बिना खाए कम खाना खाए ज्यादा काम करने लग जाता है। और सीसीस ग्रीन क्या करता है इस चीज के लिए आवाज उठाता है बाहर जाके मीडिया में कि भी लोगों को कैसे बदला जा रहा है, कैसे उनसे घोड़ों गधों के तरीके से काम कराया जा रहा है। अब देखो यार इसको देखने के दो नजरिए हैं। अब आप ये देखो कि यार कैसे कैपिटलिज्म के नाम पर लोगों से कितना ज्यादा काम कराया जाता है, उनको गधे घोड़ों के तरीके से काम कराया जाता है। देखो आर्टिस्ट रियल में तो किसी को घोड़ा या गधा नहीं बना सकता लेकिन रियल मूवी के अंदर तो रियल एक्शन मूवी के अंदर तो वो इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता है कि आदमी को घोड़ा या गधा बनाया जा रहा है। अब मैंने पूरी मूवी की कहानी आप लोगों के सामने रख दी है, स्पॉयलर्स भी मैंने रख दिए हैं क्योंकि यार मेरे नजर में ये एंटरटेनमेंट के नाम पे एकदम कचरा है और मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम खराब हो। और बाकी जिनको अगर बुरी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना आप लोगों को बुरी लगी है, बेशक कर ही दोगे, डिसलाइक भी कर दोगे और कमेंट के नाम पे गाली लिख दोगे। अरे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो देखा यार मुझे इतना ही सिखाया गया है कि मेहनत करो तो तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो तुम चाहते हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो यार बस इन्हीं प्रोटेस्ट के बहाने से अपने आप को आलसी बनाते हुए चलोगे। तो मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मुझे चीज चाहिए तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, यही चीज मुझे सिखाई गई है। खैर छोड़ो इन सब चीजों को, अगर कंक्लूजन की बात करें तो इस मूवी की स्टार देने की बात करूं तो इसको मैं 0 out of 10 स्टार दूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गाली यूज की गई है, केवल एक या दो नहीं, इवन प्रोटेस्ट के अंदर जो वो नारे लगते हैं उसके अंदर भी गालियां दी गई हैं और इतनी गालियां कि यार सर में दर्द होने लग जाता है। अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो प्लीज मुझे बता देना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। यार जिसको अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट करना, जिसको बुरी लगी हो तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना क्योंकि यार अगर तुम गाली लिखोगे तो मैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। अगर डिसेंट कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो बेशक कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। बस अगर बाकी ने किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज मत देखना यार, एंटरटेनमेंट इसमें बिल्कुल कचरा है और कोई मूवी बहुत ज्यादा बोर करती है। यार मैं जब ये मूवी देख रहा था तो यार मुझे उबासी आ रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इस मूवी को कंप्लीट किया, मैंने इसको स्टार तो 0 ही दे दिया। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।